हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो एक मेगा क्लास होने वाली है यूपीसीएचओ के कैंडिडेट्स के लिए। 9 सितंबर और 10 सितंबर को यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम है और जो जो भी सिलेबस है वो आप लोगों ने देख रखा होगा। तो आज की जो मेगा क्लास है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन ओबीजी। तो ओबीजी को स्टार्ट करने से पहले हमको दो बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, एक है ग्रेविडिटी और एक पैरिटी। आपने बहुत बार ये सुनी होंगी लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ग्रेविडिटी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमेन हैज़ बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। एक वुमेन, एक लेडी कितनी बार प्रेग्नेंट हो रही है रिगार्डलेस, हम ये नहीं देखेंगे कि अब वो अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो अब वो केस अबॉर्ट हो गया या फिर वो केस लाइव बर्थ हुआ या वो स्टिल बर्थ हुआ, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको ग्रेविडिटी में काउंट किया जाएगा। तो एक वुमेन जो अपनी लाइफ में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जिसका ग्रेविडा है जीरो, तो उसको कहा जाता है नली ग्रेविडा। जो एक बार प्रेग्नेंट हुई है वो प्राइमी ग्रेविडा। इसी तरह से जो एक से ज़्यादा बार वो मल्टी ग्रेविडा। अब मैं आपको दोबारा एक बार कह दूं कि ग्रेविडिटी में हम ये नहीं देखते कि प्रेगनेंसी का आउटकम क्या है, चाहे वो अबॉर्शन हो, चाहे वो स्टिल बर्थ हो, चाहे वो प्री टर्म हो, चाहे वो टर्म बेबी हो, चाहे वो लाइव चिल्ड्रन हो, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ देखते हैं कि यूट्रस कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ है। लेकिन अगर वो ट्विन प्रेगनेंसी है, अगर कोई भी विमेन है जो बर्थ देती है ट्विन्स को, तो उसको भी ग्रेविडा वन ही काउंट किया जाएगा बिकॉज यूट्रस इज गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर वंस। उसके बाद आता है पैरिटी। पैरिटी में हम उन प्रेगनेंसीज को काउंट करते हैं जो 28 वीक्स के बियॉन्ड जा चुकी हैं, मतलब उन्होंने एज ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस कर लिया है। एज ऑफ वायबिलिटी हमारी कंट्री में, इंडिया में 28 वीक्स है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है दैट व्हाट इज़ द एज ऑफ वायबिलिटी, ये है 28 वीक्स। एज ऑफ वायबिलिटी का मतलब क्या है या वायबिलिटी का मतलब क्या है कि अब जो फीटस है, अब जो बेबी है, वो इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द यूट्रस ग्रो कर सकता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो जो पैरिटी है उसमें हम लाइव बर्थ्स को भी काउंट करते हैं और स्टिल बर्थ्स को भी। जो भी प्रेगनेंसी 28 वीक्स को क्रॉस कर चुकी हैं उसका रिजल्ट चाहे तो लाइव बर्थ हो या फिर स्टिल बर्थ हो, उसको पैरिटी में काउंट किया जाएगा। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ए लेडी केम टू एंटीनेटल क्लिनिक, हर हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ टू प्रीवियस अबॉर्शंस एंड वन टर्म डिलीवरी, व्हाट वुड बी हर ग्रेविडिटी एंड पैरिटी। एक लेडी है जो एंटीनेटल क्लिनिक में आ रही है, उसकी हिस्ट्री जब ली गई तो वो प्रीवियस अबॉर्शंस थे, एक टर्म डिलीवरी थी, तो उसकी ग्रेविडिटी और पैरिटी क्या होगी। तो क्योंकि वो इस टाइम भी प्रेग्नेंट है और दो पहले से अबॉर्शन हो चुके हैं, एक टर्म डिलीवरी, तो ग्रेविडा हो गया चार, यानी कि चार बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद है पैरिटी। तो पैरिटी क्या होगी उसकी, क्योंकि सिर्फ एक ही बेबी है जो टर्म, जिसकी टर्म डिलीवरी हुई है, अबॉर्शन यानी कि वो 28 वीक से पहले हो गए, इसलिए G4P1 वुड बी द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, बहुत आते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और टर्म्स बता देती हूँ, जैसे ग्रेविडा, जैसे जी है तो वो ग्रेविडा। आपको कई बार बोला होता है व्हाट इज़ द GTPAL ऑफ द लेडी, तो जी है ग्रेविडा, टी है टर्म बर्थ, पी यहाँ पे प्री टर्म बर्थ होता है, पैरिटी नहीं होता है। ये क्वेश्चन आते हैं और उसमें लोग पैरिटी को काउंट करते हैं। पी इज़ प्री टर्म बर्थ, ए फॉर अबॉर्शन एंड एल फॉर लिविंग चिल्ड्रन। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लेडी इज एक्सपेक्टिंग हर फोर्थ चाइल्ड, कोई लेडी है वो अपना फोर्थ चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड एज अबॉर्शन एट 8 वीक्स, पहली प्रेगनेंसी जो थी वो अबॉर्ट हो गई एट 8 वीक्स। देन सेकेंड रिजल्टेड इन लाइव बर्थ ऑफ ट्विन बॉयज हैं, लेकिन जी को हम वन ही काउंट करेंगे एट 38 वीक्स। एंड थर्ड रिजल्टेड इन अ लाइव बर्थ ऑफ डॉटर एट 34 वीक्स, तो वट वुड बी हर GPTAL, ग्रेविडा, प्रीटर्म, टर्म, अबॉर्शन एंड लाइव चिल्ड्रन, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको, आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद है एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, ग्रेविडिटी और पैरिटी आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं टर्म बर्थ किसको बोलते हैं। जो बर्थ 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के बीच में हो रहा है उसको कहेंगे टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ किसको कहेंगे, जो 28 वीक्स से लेकर 37 वीक्स के बीच में होगा वो होगा प्री टर्म बर्थ। और पोस्ट टर्म बर्थ जो 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद होगा दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट टर्म बर्थ। तो इसका भी एक क्वेश्चन है। स्टिल बर्थ्स इंक्लूड बेबीज डेथ आफ्टर, स्टिल बर्थ कब बोला जाता है, जब बेबी की डेथ आफ्टर 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स और या 32 वीक्स। तो इसका आंसर होगा 28 वीक्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दैट दिस इज द एज ऑफ वायबिलिटी इन इंडिया, और अगर इससे पहले कोई किसी की भी डेथ होती है फीटस की तो इट वुड बी कॉल्ड एज अबॉर्शन।
उसके बाद है एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर कब स्टार्ट होती है? जब कोई भी विमेन प्रेग्नेंट होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है एंटीनेटल केयर में, हमको ये पता करना है, हमको कंफर्म करना है कि विमेन सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो कैसे करते हैं हम प्रेगनेंसी को कंफर्म? इसमें हमारे पास तीन तरह के साइंस होते हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से आप इसको नोट करें। प्रिजम्पटिव साइन, प्रिजम्पटिव साइन का मतलब है सब्जेक्टिव साइन जो वुमेन को फील होगा, जो उस लेडी को फील होगा जो प्रेग्नेंट है। तो इसमें होगा एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब है कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बंद हो जाएगा, जो मंथली साइकिल है वो बंद हो जाएगी, फटीग रहेगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी। मॉर्निंग सिकनेस लगभग 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक चलता है। और उसके बाद है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको यूरिन पास करने का अर्ज होगा, मिक्चुरेशन का मिक्चुरेट करने का अर्ज होगा। और ये होता है 8th 12th वीक में देखा जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रेग्नेंट यूट्रस है इट लाइज ऑन द ब्लैडर और ये ब्लैडर पे एक प्रेशर क्रिएट करता है दैट वुड रिजल्ट इन यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। उसके बाद है क्विकनिंग, मदर को फील होगा, किक्स फील होंगी बेबी की, जिसको एक्टिव फीटल मूवमेंट्स या फिर परसेप्शन ऑफ लाइफ मूवमेंट्स भी कहते हैं। मदर को किक्स फील होंगी, कई बार हम कहते भी हैं उनको किक काउंट करने को। तो ये कब होता है, ये क्वेश्चन है कि क्विकनिंग कब फील होती है? तो 16 to 20 वीक्स में ये फील होती है। उसके बाद आते हैं वो साइंस जो एग्जामिनर को फील होगा, उनको कहते हैं प्रोबेबल साइन या फिर ऑब्जेक्टिव साइन। पहले तो हमने पढ़े वो साइन जो सब्जेक्टिव थे, जो मदर को फील होंगे। इन साइंस में आता है हमारे पास चैडविक साइन, गुडल साइन, पिस्किक साइन, ओसिएंडर साइन और कुछ ब्रेस्ट चेंजेस जो एग्जामिनर को फील होंगे। तो सबसे पहले है चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या है? बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं साइंस के ऊपर। तो चैडविक साइन में क्या है? चैडविक साइन में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है। वो क्यों होती है? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है वेजाइना को। और ये होता कब है? ये देखा जाता है लगभग 8th वीक में। और इसका एक और नाम भी है, इसका दूसरा नाम है जैकमियर साइन, जैकमियर्स साइन। तो आपको किसी भी नाम से जैकमियर भी बोला जा सकता है, चैडविक भी बोला जा सकता है, यू शुड नो। उसके बाद है गुडेल साइन। गुडेल साइन में क्या है? सॉफ्टनिंग होती है सर्विक्स की, सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। आपको मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, जो नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स है वो कैसा होता है? इट्स हार्ड लाइक अ टिप ऑफ नोज, नोज की टिप जितना हार्ड होता है नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स। लेकिन प्रेगनेंसी की स्टेट में इट विल बिकम एज सॉफ्ट एज द लिप्स ऑफ द माउथ, ये इतना सॉफ्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं गुडेल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। और ये देखी जाती है लगभग 6th वीक में। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पिस्किक साइन। तो पिस्किक साइन में क्या होता है कि जैसे 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 कोई वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होती है उसके यूट्रस की, वो सिमेट्रिकल नहीं होती। तो क्या होता है कि यूट्रस का वन हाफ है इट फील्स मोर फर्म देन द अदर हाफ, एक हाफ ज़्यादा फर्म फील होगा दूसरे से, उसको कहते हैं पिस्किक साइन। उसके बाद है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या है? इंक्रीज्ड पल्सेशन फील होती है लेटरल फोर्निसेस से के थ्रू। ये 8th वीक में होता है। और कभी भी अगर आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करेंगे किसी लेडी का तो यू वुड गेट टू फील दोज पल्सेशन, वेरी रैपिड पल्सेस, उसको कहते हैं ओसिएंडर साइन। उसके बाद है ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है? मोंटगोमरी ट्यूबिकल्स अपीयर होना, प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी एरियोला। अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में देखें तो उसमें ज़्यादा हमें पता चलेगा, क्योंकि जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें पहले से ही इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं होगा। और एक और चीज़, कोलोस्ट्रम भी जो है वो इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाता है एज अर्ली एज 12 वीक्स, इतने जल्दी वो स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद है पॉजिटिव साइन, यानी कि कन्फर्मेटरी, जिससे हमें पक्का पता चल जाएगा, हाँ 100% श्योर हो जाएगा कि वीमेन प्रेग्नेंट है। तो वो होता है फीटल हार्ट बीट हमें सुनाई देने लगेगी और अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। तो इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वन हाफ ऑफ द यूट्रस इज मोर फर्म देन द सेकेंड हाफ। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा साइन होगा, पिस्किक साइन। उसके बाद है अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, फीटल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड, फीटल हार्ट रेट थ्रू USG या फिर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अर्लीस्ट सिम्टम जो होगा दैट वुड बी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
देन ओनली विमेन विल कम टू देन ओनली द प्रेगनेंट लेडी विल कम टू हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और एंटीनेटल क्लिनिक और वट एवर. तो इसका आंसर होगा सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कि कहते हैं एमनोरिया. उसके बाद है, अब एक बार हमको ये कंफर्म हो गया दैट वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो अब क्या करेंगे, हम प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे प्रेगनेंसी के, यानी कि ईडीटी निकालेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है डिलीवरी की, और साथ में हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है, यानी कि जो ग्रोइंग फीटस है वो कितने वीक्स का है. तो सबसे पहले बात करते हैं ईडीडी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी. वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं नीगल्स रूल या फिर नीगल्स फॉर्मूला. उसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है उसको डेट लेते हैं, प्लस उसमें 9 मंथ्स ऐड करते हैं और ऐड करते हैं 7 डेज, वो आ जाती है हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. उसके बाद है एस्टिमेशन करेंगे हम जेस्टेशनल एज की, यानी कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन का पता लगाएंगे. तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो 16 वीक्स पे क्या होता है, फंडस फाउंड हाफ वे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्ब्लाइकस. फंडस जो है वो मिडिल में होता है बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्ब्लाइकस के 16 वीक्स पे. उसके बाद 18 to 20 वीक्स पे क्या होता है, फंडल हाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स द फीटस इन वीक्स. 18 टू 20 वीक्स में क्या होगा, जितनी फंडल हाइट होगी उतना ही पीरियड ऑफ जेस्टेशन पीओजी होगा, उसमें प्लस या माइनस टू वीक्स आगे पीछे हम कर सकते हैं. उसके बाद है एट 20 टू 22 वीक्स पे फंडस जो है वो अम्ब्लाइकस के ही लेवल पे होगा, और 36 वीक्स पे क्या होगा, फंडस इज एट ज़िफ़ोइड प्रोसेस. तो कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है दैट फंडस इज एट ज़िफ़ोइड प्रोसेस, आपके ऑप्शन में होगा 36 वीक, 32 वीक्स, 24 वीक्स. तो आपको ये मतलब आपको जो है ये पता होना ज़रूरी है. उसके बाद है एंटीनेटल विजिट्स. तो कितने होते हैं एंटीनेटल विजिट, तो जो फर्स्ट ये मैं मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स बता रही हूँ, मैक्सिमम नंबर नहीं, क्योंकि WHO ने रिकमेंड किया है एंटीनेटल विजिट को मिनिमम कम से कम 4 तो होने ही चाहिए. और वो कब कब होने चाहिए, फर्स्ट विजिट होगा एज सून एज द प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, जब भी ये फील होगा वुमेन को कि दैट आई एम प्रेगनेंट या कन्फर्म हो जाएगी प्रेगनेंसी. देन सेकेंड विजिट होगा 14 to 26 वीक्स पे, थर्ड विजिट होगा 28 to 34 वीक्स पे, और फोर्थ विजिट होगा 36 वीक्स से लेकर टर्म के बीच में. उसके बाद आता है इंट्रानेटल पीरियड. तो इंट्रानेटल पीरियड में भी आपको कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले है प्रेजेंटेशन, द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस. तो जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे जो पार्ट प्रेजेंट होगा दैट वुड बी प्रेजेंटेशन. वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है जिसमें हेड प्रेजेंट होता है, पोडेलिक भी हो सकती है जिसमें फीट प्रेजेंट होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है. उसके बाद है प्रेजेंटिंग पार्ट. तो प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंटेशन का वो पार्ट जो इंटरनल ओस को ओवरलाई करेगा, और जो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम पर्वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो जो पार्ट एग्जामिनर को फील होगा दैट वुड बी प्रेजेंटिंग पार्ट. अब जैसे प्रेजेंटेशन है सिफेलिक, तो उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट कुछ भी हो सकता है, वर्टेक्स भी हो सकता है, ब्रो भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है. तो ये आएगा प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर. उसके बाद है एटीट्यूड. एटीट्यूड इज द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस टू वन अनदर. एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है फीटस के पार्ट्स का, उसको कहते हैं एटीट्यूड. और यूनिवर्सल एटीट्यूड है फ्लेक्शन. बेबी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लेक्शन एटीट्यूड में ही होता है. उसके बाद है लाई. तो लाई इज द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन. इसमें क्या है कि जो फीटस जो है किस तरह से लाई कर रहा है इनसाइड द यूट्रस, इसको कहते हैं लाई. जैसे कि लाई लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, अगर वो लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है तो लाई ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लाई ऑब्लिक भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाई होती है दैट वुड बी लॉन्गिट्यूडनल. उसके बाद है डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर एक बोनी फिक्स्ड पॉइंट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर, जो कि मेटरनल पेल्विस के जो क्वाड्रेंट्स हैं उनके साथ रिलेशन में आता है ड्यूरिंग डिलीवरी. तो क्या है कि जैसे अगर किसी का प्रेजेंटिंग पार्ट मान लीजिए वर्टेक्स है, तो या किसी का प्रेजेंटिंग पार्ट फेस है, तो उसमें चिन वुड बी दैट डिनोमिनेटर. और अगर अगर वर्टेक्स है तो ऑसिपुट वुड बी दैट डिनोमिनेटर, जो भी बोनी फिक्स्ड पॉइंट है. उसके बाद है पोजीशन, द रिलेशनशिप ऑफ डिनोमिनेटर विद वेरियस क्वाड्रेंट्स ऑफ मेटरनल पेल्विस. तो पोजीशंस 8 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, राइट ऑसिपिटो इंटीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर, ROT, इस तरह से पोजीशंस होती हैं. जो अभी एम्स नॉर्सेट हुआ था 2020, उसमें पोजीशन या इस इन पे लाई पे किसी एक पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं.
इसके बाद आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ लेबर। तो लेबर की हैं चार स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स, वहाँ से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलिटेशन यानी कि 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन तक। और जो इसका ड्यूरेशन है वो प्राइमिंग रेविडा में थोड़ा लंबा होता है, इसका ड्यूरेशन 12 घंटे के करीब, 12 आवर्स। और अगर बात मल्टी रेविडा की आए तो इसका आधा यानी कि 6 आवर्स ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। उसके बाद है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है फुल सर्वाइकल डायलिटेशन से और इट एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जो सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन है वो प्राइमरी ग्रेविडा में रहता है 2 आवर्स तक और मल्टी ग्रेविडा में इट इज़ अबाउट 30 मिनट्स। उसके बाद है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेकर के एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड आफ्टर बर्थ। तो ये 15 मिनट्स का होता है इसका ड्यूरेशन दोनों में ही, मल्टी ग्रेविडा एंड प्राइमरी ग्रेविडा दोनों में। बट विद AMTSL इट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 5 मिनट्स। एंड व्हाट इज AMTSL? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। WHO के कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करके इट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 5 मिनट्स। उसके बाद है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होता है आफ्टर प्लेसेंटा की डिलीवरी और आफ्टर बर्थ की डिलीवरी के बाद का 1 घंटे का टाइम, जिसमें मदर में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिनको ऑब्जर्वेशन का पीरियड इसको कहा जाता है। जिसमें ऑब्जर्व करते हैं हम मदर को, उसका वाइटल साइंस, उसका सब कुछ मॉनिटर करते हैं इस फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसको कि कार्डिनल मूवमेंट्स भी कहा जाता है ऑफ लेबर। तो इसमें होता क्या क्या है, जो भी इसका सीक्वेंस है वो आपको याद कर लेना है, दे कैन आस्क फॉर द सीक्वेंस। और इसको मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लोकिया। तो लोकिया रिब्रा होता है जो 1 to 4 डेज के लिए डिस्चार्ज होता है, रेड कलर का होता है। उसके बाद लोकिया सिरोसा है जो कि पेल येलो कलर का होता है 5 to 9 डेज के लिए। उसके बाद है लोकिया एल्बा, विटिश डिस्चार्ज है 10 to 15 डेज के लिए। उसके बाद है असेसमेंट करते हैं हम पोस्ट नेटल पीरियड में, वो क्या क्या देखते हैं हम उसमें। तो बबलर, इसके लिए एक एक्रोनिम यूज़ की गई है बबलर। बी स्टैंड फॉर ब्रेस्ट, यू फॉर यूट्रस, अगेन बी फॉर वॉवल्स, अगेन बी फॉर ब्लैडर, देन लोकिया, एपिजियोटमी, रेस्ट एंड स्लीप। अब इसमें से भी जो एपिजियोटमी है उसको असेस करने के लिए हमारे पास क्या एब्रिवेशन एक्रोनिम है, दैट इज़ रीडा। आर फॉर रेडनेस, ई फॉर एडिमा, ई फॉर एकाइमोसिस, देन डिस्चार्ज एंड देन अप्रोक्सीमेशन। तो जब भी एपिजियोटमी को असेस करना है ये 4-5 चीज़ें हमने उसमें देखनी है। उसके बाद है कि अगर कोई भी वुमेन है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसका जो बेबी बॉर्न हुआ है दैट इज़ वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो हमने उसको 300 माइक्रोग्राम ऑफ रो डी, जिसको रो गैम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, वो एडमिनिस्टर करना होता है विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर। अगर चाहे वो एंटीपार्टम भी दिया है देन ऑल्सो वी विल गिव इट। तो आपसे इसमें कई बार डोज पूछ ली जाती है रोटी की और टाइमिंग पूछ ली जाती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू WHO व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, विद इन 30 मिनट्स, विद इन 1 आवर आफ्टर इन्फेंट स्टेबलाइजेज, या एनी टाइम। तो विद इन 30 मिनट्स करनी है। और अगर आजकल कई क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन होता है दैट एज सून एज पॉसिबल, तो यू विल गो विद दैट, क्योंकि अभी न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एज सून एज पॉसिबल कर दिया गया है इसको। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम। ड्यूरेशन कितनी होती है परप्यूरियम की, 1 वीक, 4 वीक्स, 6 वीक्स एंड 8 वीक्स। तो आंसर है 6 वीक्स। उसके बाद है एक ऐसी कंडीशन में जो जिसमें लोकिया जो है वो आउटफ्लो नहीं होता, वो अंदर ही रिटेन रहता है, उसको कहते हैं लोकिया मीट्रा। उसके बाद है कीगल एक्सरसाइजेज आर डन टू। कीगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए पेल्विक फ्लोर की मसल्स यानी कि लेवेटर एनी और कोकीजियस मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेज करते हैं। और कीगल एक्सरसाइजेज पोस्टनेटली वेमेन को करने को कहते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन पोस्टनेटल पीरियड। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस के लिए, दैट इज प्रोलैक्टिन। और अगर हमसे पूछा जाए मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन दैट वुड बी ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है कलर ऑफ लोकिया रुब्रा, तो पीछे मैंने आपको बताया रेड कलर। तो दिस वॉज टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।